सभी किसान साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज मैं अपने फार्म हाउस पे आया हुआ हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि मैंने क्या क्या चीज़ पाल रखा है, मतलब पशुपालन भी किया है, यहाँ पे सब्जियाँ भी लगाई हुई है तथा कुछ सामग्री वगैरह भी रखता हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे मैं इस चीज़ को व्यवस्थित करके रखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पीछे आम है दोस्तों, और इधर देखिए आप लोग, दशहरी आम है एकदम एक नंबर का दोस्तों। अभी यह साढ़े तीन साल चार साल का पौधा हुआ है और फल दे रहा है, काफ़ी अच्छी हुई है। और मैं अभी दिखाता हूँ एक चीज़ और दोस्तों, कल का जो है मेरी भैंस जो है बच्चा दी है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यही मेरे जैसे इसमें पशु रखता हूँ मैं अपने, तो ये भैंस है वो देखिए पाणा दी हुई है कल की, और ये गाय का बच्चा है। साथ ही इसमें गोईठा वगैरह उपले जो हम लोग कहते हैं दोस्तों, देखिए उधर उपला रखा हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी रविवार को यहाँ पे बाटी चोखा का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग जो है बाटी चोखा का प्रोग्राम होता है दोस्तों, तो हम लोग यहीं से जो है लेके अपना बनाते हैं। तो बेसिकली ये छोटा सा फार्म हाउस का टाइप है। साथ ही इस वाले रूम में देखिए दोस्तों, पशु को रखने के लिए चारा और इधर प्याज है, बाटी चोखा लगाते हैं हम लोग तो प्याज की विशेष ज़रूरत होती है दोस्तों, तो ये व्यवस्था है। बाकी का चलिए हम उधर आप, और देखिए दोस्तों ये मसूर की खली है जो मैं अपने पशु को देता हूँ, और ये जौ की और गेहूँ की खली है दोस्तों। और इधर देखिए, जैसे घर पर मैं अपने सरसों पेरवाता हूँ, तेल निकलवाता हूँ दोस्तों, तो उसकी खली है, इसको भिगो दिया जाता है रात में, और उसके बाद सुबह में अगले दिन इसको भैंस को दे चला दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये तीसी की खली है, इसको भी इसी के साथ भिगो दिया जाता है। इसको भिगोने से होता क्या दोस्तों कि आपके दूध में फैट बढ़ेगा, और साथ ही साथ दूध का लेवल भी भैंस का बढ़ता है या गाय का कुछ भी का बढ़ता है दोस्तों। दोस्तों देखिए, ऐसी बाउंड्री में जो है एक जामुन लगा हुआ है, और खेत पर भी मैंने लगाया हुआ है, तो गर्मियों का दिन है दोस्तों, तो जामुन फलता है तो हम लोग तोड़ के आते हैं और ऐसे ही अपने जो फार्म हाउस पर घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं दोस्तों। साथ में देखिए, एक पौधा जो है पपीता का लगाया गया था इधर पूरा दोस्तों, लेकिन पपीता जो है होता क्या है, एक साल दो साल फलने के बाद से एक दो साल के बाद लगता है उजड़ने दोस्तों, तो बड़ी दिक्कत होती है, तो ये एक बचा हुआ है अभी। और इधर देखिए, मैंने भिंडी लगा रखी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि जितने भी यहाँ खेती मैं करता हूँ, जितनी भी चीज़ें, केवल पशु का मैं अपने गोबर ही इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए यह पूरी तरह से जैविक चीज़ है दोस्तों, पूरी तरह से ये जैविक दोस्तों है। यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पास में ही एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है दोस्तों, तो वहाँ के प्रोफेसर लोग हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, तो वो लोग कई बार आते हैं दोस्तों, तो मेरे यहाँ से जो है कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए, तो भिंडी वगैरह तोड़ के ले जाता हूँ, मैं पैसा नहीं लेता हूँ उनसे, मैं कहता हूँ ले जाइए, लेकिन मैं अपने घर पर खाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनिक ही फार्मिंग करता हूँ दोस्तों। देखिए इधर मिर्च भी लगाया हुआ है मैंने, मतलब गोबर की यह उत्पादन है दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई खाद वगैरह रासायनिक प्रयोग नहीं करता हूँ। उधर बोड़ा है, ये मिर्च है, ये भी देखिए मिर्च अभी फूल ले रहा है, इधर बैंगन है दोस्तों, यही सब चीज़। और देखिए वो कई कई जगहों पे सहजन बोला जाता है, कई कई जगहों पे मुरंगा बोला जाता है उसको दोस्तों, तो वो चीज़ मैंने लगा रखा अपने फार्म हाउस पर। आइए हम आगे चलते हैं, देखिए। और इधर देखिए अमरूद का एक पौधा है दोस्तों, पेड़ अमरूद का पेड़ है देखिए। अब बारिश का दिन आ गया तो इसमें बहुत सारे नीचे से टहनी फेंक दी गई हैं, तो अब नीचे से हम लोग, यदि आप लोगों के पास भी होगा दोस्तों, तो नीचे से इसको छटैया किया जाता है, तो इसको नीचे से तोड़ के जो है फेंक दिया करिए आप लोग, या पशु को डाल दिया करिए, खा जाएगा, क्योंकि नीचे यदि यह फल ले लेगा दोस्तों, तो ऊपर के जो तने हैं उनमें फल नहीं आएगा और नीचे ही फल लेगा और बढ़ेगा दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो अभी इसकी छटैया होगी। और देखिए ये रहा मक्का का पौधा दोस्तों, अभी आप लोगों के यहाँ जैसे बारिश हुई है तो मक्का अब आप लोग लगाएंगे, इसे मेरे फार्म हाउस पे देखिए दोस्तों, मक्का पहले ही लगा दिया जाता है, और अब जब बारिश हुई है दोस्तों, अब देखिए जब फल लेने के कगार पे है, देखिए अब यहाँ से इन टहनियों में से इधर से किनारे से इधर से जो है मक्का निकलेगा दोस्तों। साथ में साइड में देखिए नेनुआ तोरई फल दे रहा है, कुछ ईख के भी हमने अपने फार्म हाउस पे कुछ ईख के भी पौधे लगा रखे हैं दोस्तों, जो कि बारिश के बाद जाड़े में गर्मियों में हम लोग ऐसे ही जैसे चीखने के जामुन। और देखिए ये जामुन है, तो ये नया पौधा भी मेरा पेड़ तैयार हो रहा है, ये अभी एक बार भी फल नहीं लिया था, इसको हम अभी तैयार कर रहे हैं। साथ में देखिए धान का बीज है, धान की नर्सरी तैयार करी हमने। एक मेरा प्लॉट जो है दोस्तों, उस पर होता क्या है कि थोड़ा सा नीचे खाल है, वो डूब जाता है जब बारिश होती है ज़्यादा, तो उसको पहले रोपने के लिए मैंने जो है ये
28-29 मई को ही बीज इसका जो है नर्सरी डाल दिया था दोस्तों, जो कि अब तैयार है। अब इसको मैं अपने खेत में रोपाई कर दूंगा। और इधर देखिए नीम है दोस्तों, हम लोग सुबह आते हैं जब अपने फार्म हाउस पे तो दातुन वतुन करने के लिए इसमें से नीम तोड़ते हैं। और ये चीज़ देखिए, ये औजार जो है मैंने बना रखा है और इसी से ऐसे देखिए और ऐसे ही हुआ और इसको ऐसे करते हैं हम लोग। और ये नीचे आपका देखिए ये दातुन आ गया, तोड़ के हम लोग करते हैं दोस्तों। और साथ में देखिए हमारा ट्रैक्टर का है यहाँ पे 32 HP से दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन 42 HP का है। चैन ऑन लगा हुआ क्योंकि अब ये लेव में चलेगा दोस्तों, तो जुताई उताई धान के सीजन में है, बुआई है करनी, तो अब ये चलेगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन है। और एक आम का पौधा इधर भी मेरा तैयार हो रहा है, इसको अभी तक हमने कलम नहीं किया लेकिन इस बरसात में मैं इसको कलम करूंगा दुधिया लंगड़ा आम से दोस्तों, क्योंकि दुधिया लंगड़ा आम की खासियत है कि सबसे पहले ही वो फल जो उसका पकने लगता है दोस्तों। और देखिए इधर नींबू हमने बाल्टी में लगाया था दोस्तों, अब बरसात में इसकी रोपाई होगी। इधर अनार है, उसमें मौसमी का पौधा है, देख सकते हैं आप लोग। इधर पपीता है, उधर हमने चौराई लगाई हुई है। तो यही सब देखिए लौकी बरसात वाली हम लोगों की इतनी बड़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ फार्म हाउस पे यही करने का बेनिफिट रहता है कि सब खेती आगे आगे हम लोग करते रहते हैं। तो यही है अपना फार्म हाउस दोस्तों छोटा सा। तो कैसा लगा मेरा फार्म हाउस दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को भी, जो भी लोग वाराणसी या चंदौली के आसपास हैं, उन्हें यदि ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए दोस्तों, तो बहुत थोड़ा बहुत मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उपलब्ध करा सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।